हेलो स्टूडेंट आज हम करते हैं एक्सरसाइज थ्री पॉइंट टू फर्स्ट क्वेश्चन है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फ्लोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सोल्यूशन ग्राफिकली और उनका सोल्यूशन ग्राफिकली निकालना है जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है टेन स्टूडेंट्स ऑफ क्लास टें पार्ट इन ए मैथमेट टेंथ क्लास के दस बच्चों ने मैथमेटिक्स क्विज़ में पार्टिसिपेट किया इफ़ द नंबर ऑफ़ गर्ल्स इज़ फोर इफ़ द नंबर ऑफ़ गर्ल्स इज़ फोर मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़ अगर लड़कियां लड़कों से चार ज़्यादा हैं तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज़। तो उसमें कितने बच्चों कितने, कितने और कितने कितने बॉयज़ और कितने गर्ल्स को पार्ट के लिए तो सल्यूशन करते हैं देखो हमारे पास हमें एग्जैक्ट पता नहीं है कि कितनी लड़कियाँ कितने लड़के हैं है। तो जो निकालना है हमें वही हम लेट करते हैं तो लेट द नंबर ऑफ़ गर्ल्स एक्स लेट करते हैं लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ वाई हमें यह पता है कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं टेन उसमें गर्ल्स भी है और बॉयज भी है तो टोटल स्टूडेंट टेन है तो हमारे जो इक्वेशन क्या बनती है ले... गर्ल्स और बॉयज़ मिलके कितने हैं टेन है तो एक्स प्लस वाईज टू टेन ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर ऑफ गर्ल्स इज फोर मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज देखो इसमें जो लड़कियां हैं लड़कियां हमारे पास एक्स है जो गर्ल्स है वो लड़कों से कितनी ज्यादा है चार ज़्यादा है फोर मोर देन है कम कौन है बॉयज़ कम है तो इसमें एक ही याद रखना जो भी कम है उसमें ऐड करते जाओ जो कम है उसे में कर दो तो इक्वल इक्वेशन आ जाएगी आपकी तो एक्स इजिकल टू वाई प्लस फोर तो वाई साइड माइनस का तो एक्स माइनस वाईजीगल टू तो फोर तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से एक्स प्लस वाई जीगल टू तो टेन एक्स माइनस वाई जीगल टू तो फोर वाई से वाई कैंसिल एक्स एक्स टू एक्स तो ये फोर्टीन टू एक्स टू साइड डिवाइड में तो सेवन तो x क्या था आपका सेवन आया और x कौन थे आपकी गर्ल्स तो गर्ल्स कितनी आई है सेवन आई है पुटिंग एक्स वन इन फर्स्ट इक्वेशन एक्स सेवन इन फर्स्ट इक्वेशन तो एक्स प्लस वाई जीरो टेन सेवन पुट के यहाँ टेन तो सेवन साइड माइनस का थ्री ये तो हो गया जेबरिक हम इसका सोल्यूशन निकालना ग्राफिकली हम इसका ग्राफ बनाते हैं ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या निकालने हैं पॉइंट निकालने हैं पहले फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास एक्स प्लस वाई जीरो टेन है एक्स साइड रखोगे आपकी चॉइस है एक्स रख सकते हो या वाई रख सकते हो तो वाई साइड माइनस का तो वाई पुटिंग अब अपनी मर्जी से अपने अकॉर्डिंग जो आपको अच्छे पॉइंट लगे वह रखने हैं तो मैंने वाई पु, फाइव पुट किया तो एक्स की वैल्यू आई है फाइव फिर दोबारा सिक्स किया तो एक्स कितना आया फोर तो ये पॉइंट आया एक्स फाइव वाई फाइव एक्स फोर वाई सिक्स ऐसे ही सेकेंड एक्स माइनस वाई जीरो टू फोर तो वाई साइड प्लस का पुटिंग वाई जीरो टू वन तो एक्स फाइव है पुटिंग वाई जीरो तो एक्स कितना है फोर तो एक्स के पॉइंट आए है फाइव फोर और वाई है वन ज़ीरो अब इसका हम ग्राफ बनाते हैं तो पहले देखो ये एक्स फाइव है तो वाई भी फाइव है एक्स फोर है तो वाई कितना है सिक्स तो ये एक लाइन ड्रॉ की है ये किसकी है एक्स प्लस वाई जीरो टू टेन की दूसरे एक्स फाइव है वाई वन है एक्स फाइव है और वाई वन है दूसरा एक्स फोर है वाई ज़ीरो है तो ये ड्रा किए तो जहाँ इंटरसेक्ट होता है वो क्या होते हैं इसके एग्जेट पॉइंट निकले वो इसकी वैल्यू निकलेगी बॉयज़ की और गर्ल्स की तो यहाँ देखो ये यह कितना है यहाँ पे सेवन आया है और ये कितना है थ्री तो सेवन थ्री तो फर्स्ट पे एक्स वैल्यू तो सेकंड पे बाई तो फर्स्ट एक्स कौन है गर्ल्स है

हमें कल किया था कि इंटरसेक्ट कब होती है पैरल कब होती है और कॉन्सीडेंट कब होती है इंटरसेक्ट कब होती है जब ए वन ए टू डू बी वन बी टू और एन एक्ल ये तीन कंडीशन थी जो मैंने करवाई थी ग्राफिकल भी और अलजेवरिकल भी तो देखो करते हैं इसको आपके पास इक्वेशन है फाइव एक्स माइनस फोर वाई प्लस एट इज इक्टल है दूसरी है सेवन एक्स प्लस सिक्स वाई माइनस नाइन इज टू जीरो ये सेकंड है तो कंपेयर करते हैं इसकी जो जर्नल इक्वेशन थी हमारे पास जर्नल इक्वेशन क्या आती है ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन ये था तो ए वन है फाइव बी वन है इसमें माइनस का फोर और सी वन है एट ए टू एस में सेवन बी टू एस में सिक्स सी टू है इसमें माइनस का नाइन तो जो आपके जर्नल इक्वेशन थी उसके साथ कंपेयर की है बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो तो ऐसे ही सेकंड में ए टू सेवन बी टू सिक्स सी टू माइनस का नाइन अब इनका रेशो निकालते ए वन ए टू ए वन ए टू का रेशो फाइव बाय सेवन बी वन बी टू माइनस फोर बाय सिक्स माइनस टू बाय थ्री सी वन सी टू एट बाय माइनस का नाइन तो ए वन ए टू डज नॉट इक्वल टू बी वन बी टू ठीक है तो हमारे थर्ड देखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमारे पास फर्स्ट कंडीशन में इक्वल नहीं है अगर ये इक्वल होता है फिर थर्ड पे जाते ठीक है तो जब ये इक्वल नहीं है तो इसका क्या हुआ आपका द गिवन पेयर्स ऑफ लिनियर इक्वेशन इंटरसेक्टेड एट जब ये कंडीशन होते है, तब क्या होता है इंटरसेक्ट होते हैं आगे थर्ड है ऑन कंपेयरिंग द रेसो ए वन ए टू बी वन बी टू सीवन सी टू फाइंड आउट वेदर द फ्लोइंग पेयर ऑफ लिनर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कंसिस्टेंट कब होता है जब इसका सोल्यूशन हो इनकंसिस्टेंट जब इसका सोल्यूशन ना हो हमारे पास जब सोल्यूशन क्या था एक तो यूनि सोल्यूशन था यूनि सोल्यूशन में भी कंसिस्टेंट हो गया मैनी इन्फेंट्री मैनी सोल्यूशन था तब भी कंसिस्टेंट हो गया नो सोल्यूशन नो सोल्यूशन पर सिर्फ इनकंसिस्टेंट होगा तो हमारे पास थ्री एक्स प्लस टू वाई जीरो टू फाइव है टू एक्स माइनस थ्री वाई जीरो टू सेवन है पहले हम क्या करते हैं जो कॉन्स्टेंट है इसको इस साइड रखते हैं थ्री एक्स प्लस टू वाई जीरो टू फाइव थ्री एक्स प्लस टू वाई फाइव साइड माइनस का ये फर्स्ट इक्वेशन सेकंड टू एक्स माइनस थ्री वाई जीरो टू सेवन टू एक्स माइनस थ्री वाई सेवन साइड माइनस का ये सेकंड इक्वेशन है कंपेयर करते हैं, कॉफिस्टेंट लिखते ए वन है थ्री बी वन टू है सी वन माइनस का फाइव फर्स्ट से सेकंड में ए टू है टू बी टू है माइनस थ्री सी टू है माइनस का सेवन अब इनका रेसो निकालता ए वन ए टू थ्री बाय टू बी वन बी टू टू बाय माइनस थ्री और सी वन सी टू माइनस फाइव माइनस सेवन तो फाइव बाय सेवन अब देखो ए वन ए टू बी वन बी टू इक्वल है नहीं है ए वन ए टू डज नॉट इक्वल टू बी वन बी टू जब ये इक्वल नहीं है तो कौन सा सोल्यूशन होता है यूनिक जब यूनिक सोलूशन है तो क्या हुआ कंसिस्टेंट तो द ऑफ इक्वेशन आर कंसिस्टेंट आगे हाफ द आगेमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर हुज लेंथ इज फोर मीटर मोर देन इट्स विज थर्टी सिक्स मीटर फाइन द डिमेंशन ऑफ द गार्डन डिमेंशन मीनिंग क्या है गार्डन की लेंथ और ब्रेथ निकालनी है तो इसने क्या दिया है कि हाफ द पेरीमीटर हाफ पैरामीटर दिया है कितना थर्टी सिक्स और हुज लेंथ इज फोर मीटर मोर देन इट्स वेट जो लेंथ है वो से चार ज्यादा है लेंथ गिवन है लेकिन ब्रेथ ब्रथ का हमें पता नहीं है मीन ब्रेथ का तो ब्रेथ का हमें पता नहीं है तो लेट कर लेते हैं लेट द ब्रेथ ऑफ द गार्डन एक्स लेंथ ऑफ द गार्डन वाई तो हाफ ऑफ द पैरामीटर थर्टी सिक्स दिया हाफ ऑफ द पैरामीटर पूरा पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है टू इंटू एक्स प्लस वाई मीन टू इंटू एल प्लस बी लेंथ प्लस ब्रेथ लेकिन हाफ है हाफ है तो टू से डिवाइड कर दिया टू से टू कैंसिल तो एक्स प्लस वाई जीरो टू थर्टी सिक्स ये फर्स्ट इक्वेशन सेक अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ इज फोर मोर देन इट्स बैर्थ जो लेंथ है वो ब्रथ से मीन ब्रेथ से चार ज्यादा है तो जो वाई है तो वो कितनी है ब्रेथ से चार ज़्यादा है तो ये इक्वेशन एक्स साइड माइनस का एक्स प्लस वाई जीरो टू फोर ये सेकंड इक्वेशन तो फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड से ऐड कर दिया एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई एक्स एक्स कैंसन बाई वाई टू वाई ये कितना फोर्टी टू साइड है तो वहाँ डिवाइड में चला गया तो वाई कितना है ट्वेंटी पुटिंग वाई ट्वेंटी इन फर्स्ट इक्वेशन तो एक्स प्लस वाई थर्टी सिक्स है यहाँ ट्वेंटी पुट किया तो ये उस साइड माइनस का एक्स सिक्सटीन आया तो सो द ब्रेथ ऑफ गार्डन सिक्सटीन है जो लेंथ है वो ट्वेंटी आई है ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट फेयर कॉपी में करके लेके आनी है थैंक्स